हेलो मेरे दोस्तों, आप आ गए यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हम बात करेंगे उल्टी के बारे में। उल्टी के बारे में दोस्तों, पर वो उल्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि आप सोच भी नहीं सकते, सोने से ज्यादा महंगी उल्टी। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। और वो है एक वेल की उल्टी, जो परफ्यूमरी में इस्तेमाल होती है। बहुत महंगा इंग्रेडिएंट है और बहुत सारे ऐसे महंगे परफ्यूम्स हैं जिनके अंदर डली होती है एम्बरग्री। तो आज हम बात करेंगे वेल की उल्टी के बारे में। कौन सी वेल की उल्टी है, वेल वो उल्टी क्यों करती है, हम उसे कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, और कौन कौन से परफ्यूम्स हैं जिनमें आपको वो वेल की उल्टी मिलेगी, वो सारे हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, लग्जरी परफ्यूम्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे कि ऊद होता है, वेटिवर होता है, और एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट यूज होता है, वो है एम्बरग्री। एम्बरग्री को वेल की उल्टी से निकाला जाता है। और वो कौन सी वेल है वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे दोस्तों, मान लो कुत्तों की ब्रीड होती है, मतलब एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, पर हां, जैसे अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं, अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप की वेल होती है। और एक वेल होती है स्पर्म वेल, उसी स्पेशल वेल की उल्टी से हमें वो इंग्रेडिएंट मिलता है। तो क्या होता है यार, जब वो खा लेती है कुछ ऐसा, जैसे स्क्विड फिश खा लेती है, कैटल फिश खा लेती है, तो उसके शिकार के कुछ हार्ड सब्सटेंसेस उसके पेट में जमा हो जाते हैं, जो उसका पेट पचा नहीं पाता है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ इंटरवल के बाद, वो समुद्र के अंदर उल्टी कर देती है। तो वो जो उल्टी कर देती है, वो तैरती हुई किनारों पर आ जाती है और लोग जो है उसे हासिल कर लेते हैं। और जो वो चीज हासिल करते हैं, उसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी, वो है एम्बरग्री। और जिसको ये चीज मिल जाती है, वो रातों रात लखपति हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है। थोड़े से एम्बरग्री से इतने ज्यादा परफ्यूम्स बनाए जा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम्बरग्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि ये खुशबू कैसी है और इसकी क्या क्या खासियतें हैं, क्योंकि उल्टी के नाम से तो यार आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। पर नहीं, मैं अभी बताता हूं, आपको ऐसी चीजें बताऊंगा इसके बारे में कि आपका मन करेगा एम्बरग्री को स्निफ करने का। तो जो प्योर एम्बरग्री होती है, उसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी खट्टी सी होती है और उसमें एक एगी स्मेल होती है। और अगर आप ऐसी एम्बरग्री को स्निफ करने लग जाओगे तो वो काफी ज्यादा शार्प भी लगेगी, बहुत ज्यादा शार्प खुशबू होती है उसकी। बट परफ्यूम्स में इस्तेमाल करते हुए एम्बरग्री को अलग तरीके से ब्लेंड किया जाता है, बाकी नोट्स को भी मिलाया जाता है। और बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ बैकग्राउंड में ही पुश देने के लिए एम्बरग्री को यूज किया जाता है। एक और जो एम्बरग्री की खासियत है, वो है इसका हैवी प्रोजेक्शन। समर के परफ्यूम्स में एम्बरग्री का यूज इसी वजह से किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैवी प्रोजेक्शन मेंटेन हो सकता है। प्रोजेक्शन का मतलब है कि कोई भी खुशबू आपकी स्किन से कितनी ज्यादा दूर तक जा रही है, और जितनी ज्यादा वो दूर तक जाएगी, उतनी ही वो आपके आसपास के लोगों को पता चलेगी, और उतने ही चांसेस होंगे कि आपकी पर्सनैलिटी भी लोगों को अच्छी लगेगी और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे पाएंगे। तो परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इस इंग्रेडिएंट का परफ्यूम्स में, खासकर समर परफ्यूम्स में, बहुत यूज होता है। पर यार ये बात तो है कि ये आपको सस्ते परफ्यूम्स के अंदर ओरिजिनल एम्बरग्री वाली खुशबू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफी महंगा इंग्रेडिएंट है। और महंगा होने की वजह से ये सस्ते वाले परफ्यूम्स, जो परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने ब्लेंड के अंदर इसे नहीं डाल सकते। इसी वजह से वो इसके अल्टरनेटिव्स का यूज करते हैं, जो काफी हद तक आपको खुशबू वैसे सी तो देते हैं, बट यार वो वाला मजा नहीं आता। एक और बात अब मॉडर्न परफ्यूमरी के अंदर ये हो गई है, क्योंकि यार एनिमल जो है उन बेचारों पर क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी होता था कि एम्बरग्री की वजह से स्पर्म वेल को ढूंढा जाता था, उन्हें यार ढूंढ के और मारा भी जाता था, ऐसा कुछ सीन हो गया था क्रिएट। जैसे कि आपको पता है कि यार ये वेल वगैरह एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो इनके साथ यार क्रुएल्टी वगैरह करना ये जायज बात नहीं है। बट केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो गया है कि अच्छे केमिकल, ऐसा नहीं है कि यार सारे केमिकल्स जो है हार्श होते हैं, बहुत ज्यादा सेफ अब ऐसे मेथड्स बन गए हैं जिसकी वजह से एम्बरग्री की, ओरिजिनल एम्बरग्री की खुशबू को हम इजिली अब लैब में बना सकते हैं। मतलब हम नहीं बना सकते, साइंटिस्ट बनाते हैं, और उन्होंने वो इंग्रेडिएंट काफी अच्छी तरीके से मिमिक कर लिया है, वो स्मेल काफी अच्छी तरीके से उन्होंने हासिल कर ली है। और आजकल जो परफ्यूम्स बन रहे हैं उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट यूज होता है, हालांकि वो इंग्रेडिएंट भी काफी महंगा ही होता है। और एम्बरग्री का एक और वर्जन होता है जो केमिकल वाला है, थोड़ा सा अलग है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रोक्सेन। वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है, और एम्ब्रोक्सेन की जो खुशबू है, अगर मैं एम्बरग्री से कंपेयर करूं तो हल्की सी स्वीट होती है, और जो एगी स्मेल होती है, एगी स्मेल एक एम्बरग्री के अंदर होती है, जिसकी वजह से यार लोगों को वो पसंद नहीं आता एम्बरग्री वाले परफ्यूम्स। तो वो जो एगी स्मेल होती है वो एम्ब्रोक्सेन वाले परफ्यूम्स में थोड़ी कम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगी, होगी उनके अंदर भी। तो मैं बताऊंगा अब आपको वो वाले परफ्यूम्स जिनके अंदर आपको ओरिजिनल एम्बरग्री वाली काफी हद तक वैसी ही खुशबू मिलेगी, और वो बहुत ज्यादा महंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना दिखाऊं 25-30 हज़ार वाले नीश परफ्यूम्स ना दिखाऊं, ऐसे परफ्यूम्स दिखाऊं जिनके आपको या तो रिटेल पैक जो है वो थोड़े कम में मिल जाए, या फिर आप उनका डीकेंट वगैरह भी इजिली मार्केट में आप ढूंढ पाओ और आप उनको ट्राई कर पाओ, ऐसे मैं परफ्यूम्स आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो परफ्यूम दिखाऊंगा जो शायद आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, पर अगर किसी को ये परफ्यूम बुरा लगता है तो शायद उसकी वजह यही हो सकती है कि जो इसकी एम्बरग्री वाली खुशबू है और उसके अंदर जो एगी स्मेल उसको आ सकती है।
तो ये है ओरिजिनल एम्बरग्री की खुशबू वाला, बहुत ब्यूटीफुल एम्बरग्री वाला मेरा फेवरेट परफ्यूम रसासी हवस। तो दोस्तों आज आपको पता चला है कि जो रसासी हवस है इसके अंदर वो आखिर कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग काफी अच्छी बताते हैं। बात क्या है कि एम्बरग्री की एक और खासियत है, खासियत क्या यार, ये अच्छी बात नहीं है कि एम्बरग्री के अंदर क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी फटीग आपको बहुत जल्दी से हो जाता है। ऑल्फैक्टरी फटीग का मतलब यानी लगाने के कुछ देर बाद आपको खुशबू तो नहीं आएगी उसकी, बट दूसरे लोगों को आपकी खुशबू का एहसास होगा। ये यार बड़ा मतलब इरिटेटिंग चीज हो जाती है कि हमने परफ्यूम लगाया हमें खुशबू नहीं आ रही, और जो दूसरे लोग हैं हम कहीं जाते हैं किसी नए कमरे में दाखिल होते हैं किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसको खुशबू आ जाती है, तो हमें यार बड़ा बुरा लगता है कि यार हम क्यों उसको फील नहीं कर पा रहे, क्यों उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट यार ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर अगर आप किसी बंदे के साथ बैठ गए तो उस इंसान को भी उतनी ज्यादा खुशबू इसकी नहीं आती है, बट हाँ जब आप हिलते डुलते हो तो यार आपको भी हल्की हल्की सी विफ आती है और उस बंदे को भी उसको थोड़ी सी ज्यादा आती है जो आपके साथ होता है या फिर कोई भी आपके जो आसपास जो भी लोग होंगे। तो ये एक और चीज है एम्बरग्री की जिसकी वजह से एम्बरग्री वाले जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर लोगों को डाउट रहता है। दूसरा जो परफ्यूम है जिसके अंदर आपको बहुत ब्यूटीफुल एम्बरग्री की नोट मिलने वाली है वो है बुल्गारी एक्वा एटलांटिक। दोस्तों ये मेरा पर्सनल फेवरेट परफ्यूम है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो समर में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, उसका रीजन यही है कि इसके अंदर एम्बरग्री डली हुई है और एम्बरग्री बहुत ज्यादा पुश पहुंचाती है इसको, जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज्यादा पुश देती है और लोग जो है वो आपके परफ्यूम को स्निफ कर पाते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं जब आप ये परफ्यूम लगाते हो। इसी वजह से ये परफ्यूम भी गर्मियों के बीस्ट मोड परफ्यूम्स में आता है और इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर आप एक कलेक्टर हो और आपको डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक है, एक अच्छा कलेक्शन है आपके पास पर ये मिस आउट किया हुआ है आपने, तो यार इसको जरूर चेक करके देखो, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। हाँ, और जिन लोगों को वो एगी स्मेल नहीं अच्छी लगती उनको क्या करना है, उनको ये सारे परफ्यूम्स स्किप कर देने हैं, उनको ये परफ्यूम्स की तरफ देखना ही नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है। तीसरे जिस परफ्यूम पर चल रहे हैं हम, उस परफ्यूम में आपको एम्ब्रोक्सन की एक हैवी डोज मिलेगी, पर एम्ब्रोक्सन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कुछ भी कम मिलेगी, ये गर्मियों का एकदम जबरदस्त बीस्ट मोड परफ्यूम ही है और ये परफ्यूम डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर नंबर वन भी कहा जाता है। ये है द किंग डियोर सोवाज ईडीटी। दोस्तों डियोर सोवाज ईडीटी आज भी एक गजब का परफॉर्मर इसी वजह से है कि इसके अंदर जो एम्ब्रोक्सन है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है जो इसे काफी पुश देता है और आपके आसपास एरोमा गजब का बनाए रखता है। जब यार ये डियोर सोवाज हाथ में आ ही गया है तो एक बार इसको स्प्रे करके मैं और देख लेता हूँ, क्योंकि यार इसकी खुशबू के बिना मुझे गर्मियां अधूरी लगती हैं, गर्मियां अधूरी है, तभी तो यार यही तो रीजन है कि इस परफ्यूम के इतने ज्यादा क्लोन्स मार्केट में बनाए हुए हैं, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी है, सेफ खुशबू है, अच्छी खुशबू है और कभी भी ओवर नहीं लगती है। बस आपको सोवाज जैसी जो परफॉर्मेंस है वो आपको किसी भी क्लोन में नहीं मिल पाती है, जिसका रीजन यही है कि इसके अंदर जो महंगा एम्ब्रोक्सन है उसको काफी अच्छे से यूज किया गया है, डाला गया है इसके अंदर और तभी ये इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है। तो डियोर सोवाज ईडीटी अगर आपने नहीं ट्राई किया इसे तो ये भी एक जबरदस्त परफ्यूम है। कहां हो यार, कहां है? अगर नहीं ट्राई करा तो मतलब बिल्कुल गलत है यार, मतलब तुम लोग बहुत अभी भी मिस आउट कर रहे हो, ठीक है, डिकेंट वगैरह लेकर ही ट्राई कर लो, पर एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार पता होना चाहिए कि जो डियोर सोवाज है ओरिजिनल डियोर सोवाज की जो खुशबू है वो कैसी होती है। अब चलेंगे हम चौथे ऐसे परफ्यूम पर जिसके अंदर एम्ब्रोक्सन या एम्बरग्री की नोट लिस्टेड तो नहीं है बट इसके अंदर वो है और उसी की वजह से ये परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है। इवन यार डियोर सोवाज के अंदर क्या है कि ये सिर्फ आपको गर्मियों में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, उतनी ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन। हाँ, पसीने आ जाएंगे तो ध्यान रखना पसीने में जो परफ्यूम्स हैं वो आपकी स्किन से निकल जाते हैं, कपड़ों पर रहते हैं तो कोशिश करना कि स्किन और कपड़ों पर कंबाइंड लगाना गर्मियों के अंदर अगर ज्यादा पसीने आते हैं तो, नहीं तो अगर एसी एनवायरमेंट में हो तो सिर्फ स्किन पर भी लगाकर काम चलाया जा सकता है ना, स्किन पर बट प्राइमरी होता है, कपड़े सेकेंडरी होते हैं और कंबाइंड सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट मेथड यह है कि अपना कंबाइंड तरीके से लगाओ। तो ये जो परफ्यूम है इसकी खासियत यह है कि ये सर्दियों के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत ज्यादा स्मूथ, अपनी सूदिंग सी, एक मतलब यार क्या बताऊं, एक खुश कर देने वाली जो खुशबू होती है जो कभी भी किसी को भी शार्प नहीं लगती। और साथ ही आपको खासियत ये भी मिलती है कि इसके अंदर जो एगी स्मेल है वो सबसे कम है, डियोर सोवाज से भी कम है, बट परफॉर्मेंस जो है वो एकदम जबरदस्त बीस्ट मोड ही है, एक मस्ट हैव डिजाइनर परफ्यूम गर्मियों के लिए भी और ऑल सीजन के लिए, हर टाइम के लिए, इंडियन वेदर के लिए। यार ये है मेरा फेवरेट YSL YADP। मुझे कितना ज्यादा पसंद है ये बताने की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं यार आप लोग वीडियोस देखते हो मेरी नहीं देखते, पर ये मैं जो भी डिजाइनर परफ्यूम्स हैं सबसे बेस्ट वाले हैं उनके अंदर मैं ये जरूर शामिल करता हूं, क्योंकि ये परफ्यूम इतना अच्छा है और इसकी खासियत ये है कि इसने मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं, जैसे हवस ने दिलाए हैं वैसे ही उसी तरीके से ही YADP ने भी दिलाए हैं और सोवाज भी यार कहीं किसी से पीछे नहीं रहता, ये गर्मियों के सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड जो परफ्यूम्स हैं उनमें से ही सब एक है। तो इसके अंदर भी एम्ब्रोक्सन की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा आपको फील और परफॉर्मेंस मिलने वाली है और चाहे लिस्टेड नोट ना हो पर इसको फील करने के बाद एक्सपीरियंस नोजेस को ये पता चल जाता है कि है तो सही। नेक्स्ट आपको दो परफ्यूम्स ऐसे बताने वाला हूं जिनके अंदर एम्बरग्री या एम्ब्रोक्सन ऑफिशियली तो नहीं डाला हुआ है, पर अगर आपको एगी स्मेल नहीं पसंद है तो आप इन परफ्यूम्स को जरूर स्किप कर
कर सकते हो, या आपको डियोर सोवाज या हवस या बुल्गारी एक्वा अटलांटिक में तो यार थोड़ी ज्यादा है स्मेल है तो वो नहीं, बट अगर आपको डियोर सोवाज भी नहीं पसंद तो आप इन दोनों परफ्यूम्स को स्किप कर सकते हो। पर अगर आपको डियोर सोवाज, रसासी हवस, वैसल वाईडीपी, बुल्गारी एक्वा अटलांटिक ये पसंद है, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये परफ्यूम्स रहेंगे एकदम जबरदस्त बीस्ट मोड इन गर्मियों में। और इनमें सबसे पहला है डोल्चे & गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस। ये कितना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे आपको पता है, क्योंकि ये बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं पहले से ही शो कर चुका हूं, और ये बहुत ज्यादा हाइप्ड भी है। ये दुनिया के सबसे बेस्ट समर परफ्यूम्स के अंदर आता है, और उसका बहुत अच्छा रीजन ये है कि ये परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट दिलाता है, और इस परफ्यूम को आप गर्मियों के किसी भी टाइम में किसी भी ओकेजन में लगा सकते हो, इवन जो दिन का टाइम है। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो दिन के टाइम में अच्छे नहीं लगते, समर परफ्यूम्स होते हैं एसी एनवायरमेंट में ही अच्छे लगते हैं या फिर समर नाइट्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर इसका क्या है कि अगर आपने इसको सनलाइट के अंदर भी लगा रखा है, दिन में भी लगा रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हो, डेट्स पर भी जा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो, और जब भी आप इसे लगाओगे तो इसको लगाने पर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। यार ये जबरदस्त परफ्यूम है, एकदम फ्रेश अपलिफ्टिंग एनर्जेटिक खुशबू जो आप जिम में भी लगाओगे तो भी मजा ही आ जाएगा। बट यार जिम में थोड़े कम स्प्रेज लगाना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा ना हो कि पूरा जिम आपकी खुशबू से ही भर जाए, क्योंकि गर्मियों में आपके पसीनों के साथ या बॉडी जितनी ज्यादा हीट होती है उतना ज्यादा परफ्यूम्स और प्रोजेक्ट होते हैं। दूसरा ये परफ्यूम है एक हिडन जेम जो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया है, पर इसके बारे में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये है एक असली हिडन जेम, जबरदस्त परफ्यूम जिसको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं समझ जाओ यार, ये क्या चीज होगी जबरदस्त। बस ऑल्फैक्टरी फटी की थोड़ी सी दिक्कत है वो इन बाकी परफ्यूम्स की तरह, पर समर परफ्यूम्स के बारे में अगर आपको पता है, डिजाइनर परफ्यूम्स पसंद है, क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आपको ये परफ्यूम जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये है आज का हिडन जेम बेंटली फॉर मैन सिल्वर ले। क्या गजब की प्रेजेंटेशन, क्या गजब की बॉटल, बट उससे भी ज्यादा गजब की इसकी खुशबू। बेंटली फॉर मैन इंटेंस आपको पता है कि सर्दियों का एक बहुत अच्छा परफ्यूम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, थोड़ा वो चैलेंजिंग हो जाता है, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये गर्मियों का एक बहुत सेफ सूदिंग परफ्यूम है जो आप डेट्स पर भी आराम से लगा सकते हो, और आपको ये थोड़ी थोड़ी सी याद दिलाएगा अरमानी एक्वादीजो की। एक्वादीजो का कोई एग्जैक्ट क्लोन तो ये नहीं है, बट ये आपको एक्वादीजो एसेंजा वाली हल्की हल्की सी वही डीएनए वाली वाइब भी देगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसे आप ऑफिस वगैरह कहीं भी लगा सकते हो। यार हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ऑफिस में भी बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं, और परफॉर्मेंस ऐसी कि मजा ही दिला दे। कई घंटों तक का प्रोजेक्शन एनसीआरजी आपके अराउंड मेंटेन रखता है। अगर आपको इन गर्मियों के लिए एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो सच में हिडन जेम है, और वो अरमानी जितने प्राइस का नहीं बल्कि उससे कम प्राइस का है, क्योंकि ये जो बेंटली है ये मिड रेंज डिजाइनर में आ जाते हैं। वैसे तो यार बहुत लोग इन्हें डिजाइनर समझते ही नहीं है, क्योंकि ये कार कंपनी फ्रेग्रेंसेस है, बहुत लोग इन्हें कार कंपनी फ्रेग्रेंसेस बोल देते हैं, बट ये ललीक बनाती है, और ललीक एक मिड रेंज डिजाइनर कंपनी है, तो इसे हम डिजाइनर्स में ही शामिल करते हैं, और ये अपने पैसे आपको जस्टिफाई पूरे कराता है। तो ये था दोस्तों आज का हिडन जेम हमारा बेंटली फॉर मैन सिल्वर लेक। और आज आपको फाइनली ये पता चल गया है कि जो वेल की उल्टी वाले परफ्यूम्स हैं वो क्या होते हैं, ये क्या है वेल की उल्टी का पूरा का पूरा मामला। हो गया भाई, हो गई उल्टी, उल्टी साफ कर दो, पूरी उल्टी फैला दी यहाँ पे, मजा ही नहीं आया अभी। लाइक कर लो यार, अबे कोई लाइक कर दो यार, मुझे लाइक नहीं करते यार, कोई भी लाइक नहीं करते, हद हो गई। शुरू में बोलूंगा ही नहीं लाइक के लिए, मैं तो कह रहा हूँ ये एडिटर भैया यही बैठे हैं, तुम यार ऐसा करना बीच में डाल देना ये, है ना, ये मैं हाथ जोड़ते हुए इनसे बोलूंगा कि यार लाइक कर दो, मैं बड़ा मतलब यार बहुत ज्यादा चला जाता है इनका, कुछ पैसों का नुकसान हो जाता है एक बटन दबाने में, करते ही नहीं यार। बीच में डाल देना है कहीं पे, जहाँ पे बोल रहा ना अटलांटिक वगैरह की कोई ऐसी बात कही ऐसे वहां घुसेड़ देना, इसे कर दो यार प्लीज मेरे दोस्तों, लाइक कर दो, कुछ नहीं जाता आपका, लाइक कर दो यार, और मतलब और लाऊंगा मैं वीडियोस, बहुत बढ़िया बढ़िया गिव अवेज लाऊंगा यार, लाइक करो प्लीज, लाइक करो।